समाकलन का सवाल सीखना चाहते हो कि नहीं, ईमानदारी से बताना। तो कहोगे हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। कोई लोग कहेंगे समाकलन मेरा बहुत अच्छे से तैयार है, लेकिन समाकलन जितना बड़ा चैप्टर पूरे फर्स्ट और सेकेंड मैथ में कोई भी नहीं है। इस बात से आप एग्री होना। तो मेरा ये मानना है कि समाकलन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को हम दो बार की जगह चार बार दोहरा लें तो हमारा मैथ एक तरीके से कमज़ोर था वो अब मजबूत होगा ही, साथ ही साथ हम अच्छे नंबर पाने के लायक भी बेहतर से तैयार हो पाएंगे। तो इसी वजह से मैं समाकलन चैप्टर पे ज़्यादा आजकल फोकस कर रहा हूँ। तो अब आपको ये समझना है कि आप समाकलन चैप्टर से लगाव कितना रखते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी वीडियो आपको कितना बेहतर लगता है, कितना ख़राब लगता है, कमेंट में बताना। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कोई कमेंट छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। रिप्लाई भले नहीं दे पाता बट कमेंट पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा कमेंट रहेगा तो रिप्लाई गारंटी है दूंगा। नाइस, थैंक यू, ये वो ऐसे लिखोगे तो कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगा, बट अगर कुछ स्पेशल मैटर लिखोगे तो रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए समाकलन का बेहतर सवाल देखते हैं। क्या है? एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट तीन है, लोअर लिमिट दो है, और इसी का क्या करना है? समाकलन। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। आप ज़रा सब्र कीजिए मेरे बाबू, मेरे सोना। नीचे वाले को, सबसे नीचे वाले को क्या मानना चाहेंगे हम? टी। और नीचे वाले को जब टी मानेंगे तो मानने से पहले थोड़ा दो लाइन अपने दिमाग में ही सोच करके सॉल्व करते हैं कि अगर मैं नीचे वाले को टी मानता हूँ तो ऊपर वाले की जगह पर क्या आ सकता है। तो नीचे वाले को टी मानोगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x dx, तो ऊपर आना चाहिए 2, बट ऊपर 2 नहीं है, सिर्फ x है। तो एक काम करते हैं, हम जुगाड़ बना देते हैं, 2 और 2 का ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। अब नीचे वाले को हम क्या करेंगे? टी मान लेंगे, अवकलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt, ठीक है। आ जाइए 1/2, और यहाँ देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पर हमें क्या करना है ध्यान से समझना है। पूरा मैटर ध्यान से समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, और आप कहेंगे वाह गुरु जी क्या बात है, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है इसका ना, वो ऐसे ही रहेगा 3, 2, और 2x dx की जगह पर क्या रहेगा? dt, और नीचे क्या हो गया? t हो गया। तो 1/t का समाकलन क्या होता है? log t होता ना, बोलो 3 और 2। अब क्या करेंगे बाबू? अब 3 रखेंगे एक बार, log 3 माइनस log 2, सॉरी log t आ गया। टी की जगह पर टी का वैल्यू वापस कर दो, टी का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऊपर वाली लिमिट 3, नीचे वाली लिमिट 2 है। अब एक बार 3 रखेंगे यहाँ पर, एक बार 2 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब 3 रखेंगे उसके बाद माइनस चिन्ह लगा के 2 रखेंगे, तो बराबर 1/2 log 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 = 10, 2 का स्क्वायर 4 = 5, तो log 10 माने log 5। तो log के सूत्र के अनुसार log m माने log n बराबर होता है log m बटे n, यानी ऊपर बटे नीचे log 10 बटे 5। तो 1/2 log 2, 5 से 10 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो बस काम हो गया। लाग 2 लिख दीजिए, आंसर आ गया। कुछ तो इसमें नहीं है, सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है। टी के जगह पर मान रिटर्न करना, बस लिमिट विमिट मत बदलिएगा,
एकदम आसान काम है, एकदम आसान काम। एक क्वेश्चन और बताते हैं, रुके रहिएगा। अब ये बाबू प्रगुण वाला सवाल है, प्रगुण वाला। प्रगुण नंबर 4 तो एकदम बदनाम है, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा, बदनाम रहे चाहे कुछ भी रहे, सबसे पहले आई बराबर इसको मान लेंगे और समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना काम तो सब लोग कर लेंगे, कोई इसमें नया काम तो है नहीं। अब क्या करेंगे, जहाँ पर एक्स है वहीं पर एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। ऐसा लिखने का फ़ायदा मिलेगा, अभी एक लाइन और आप इंतज़ार कीजिए। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर एक्स। अब इस लाइन को आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। फ़ायदा क्या होगा एक नंबर दो नंबर बनाने से, हम समीकरण नंबर 1 को और 2 को एक में जोड़ेंगे तो फायदा मिलेगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। तो 1 का बायां पक्ष और 2 का बायां पक्ष, यानी आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू ज़ीरो। और ये देखिए कास स्क्वायर एक्स प्लस इसका देखिए साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, डी एक्स। जोड़ने का तरीका क्या है, ये वाला सिंबल इसमें, ये वाला सिंबल इसमें, तो दोनों में से ये सिंबल मैंने कॉमन ले लिया, डी एक्स पीछे है, डी एक्स पीछे है, दोनों में से डी एक्स कॉमन लेके पीछे लगा दिया। कास स्क्वायर बीच में था, साइन स्क्वायर बीच में था, तो ये मैंने बीच में लिखा, ब्रैकेट में बंद किया। पूरी दुनिया जानती है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसका मान 1 होता है, पूरी दुनिया में इसका नाम बदनाम है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2i इज़ इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0 1 डी एक्स। क्या हो गया, इन दोनों का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 डी एक्स। और 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, 2i इक्वल टू एक्स, अपर लिमिट पाई बाई टू इधर, लोअर लिमिट 0। जब समाकलन हो जाता है तो लिमिट को हम इस तरीके से कोष्ठक बना के पीछे लिखते हैं, 2i इक्वल टू, एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे फिर माइनस चिन्ह लगा के नीचे वाला रखेंगे, तो 2i बराबर हो गया पाई बाई टू। इस 2 को जब हम यहाँ ले जाएंगे तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।